नमस्कार दोस्तों, आरसी जॉबिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020 को लेकर है। विज्ञापन किस महीने में जारी होगा, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। शासन से अनुमति मिली या नहीं, इसके संबंध में भी आपको जानकारी मिलने वाली है। निदेशालय को क्या जवाब मिला, इसके संबंध में भी आपको जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को आप पूरा देखते रहिए, स्किप मत करिए। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 3,900 पद खाली हैं, आप सभी को मालूम होगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने पूरी तैयारी कर रखी है, जैसे ही शासन की अनुमति मिले हम अध्याचन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेज देंगे। पहले जो विचार था कि नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती का विज्ञापन जारी हो, लेकिन कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र आयोग के गठन में थोड़ा विलंब होगा, जिसके कारण अध्याचन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को देने पर विचार चल रहा है। आपको बता दें कि शासन से हरी झंडी मिलने के बाद निदेशालय की ओर से रिक्त पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा, जैसा कि कई यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी। और उनका कहना है कि मंजूरी मिल गई है, हरी झंडी मिल गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हरी झंडी नहीं मिली है, हरी झंडी का इंतजार है। जैसे ही शासन के तरफ से हरी झंडी मिलेगी, मंजूरी मिलेगी, वैसे ही निदेशालय के द्वारा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को 3,900 पदों का अध्याचन भेज दिया जाएगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ जो वर्तमान की स्थिति है उसके मद्देनज़र, जो वर्तमान की स्थिति है उसके मद्देनज़र विज्ञापन अक्टूबर या नवंबर माह तक जारी किया जाएगा। कंफर्म जानकारी है, 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ।